ट्राइपॉड भी मेरा पता नहीं क्यों गिरता हुआ सा हो रहा है अभी। मैंने जिस दिन मैं आऊंगी उस दिन कर लो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइस, आई नो अभी मैंने वीडियो जल्दी अपलोड कर दी है एंड अभी आप सब आराम से रिलैक्स कर रहे होंगे एंड लेज़ी। संडेज आर जनरली वेरी वेरी लेज़ी एंड इट्स गुड कि वो लेज़ी है बिकॉज आप अपने ऊपर ध्यान दो आराम से। जस्ट टेक प्रॉपर स्लीप, टेक रेस्ट फ्रॉम द एंटायर वीक का जो इतना हसल होता है उससे जस्ट रेस्ट। सो येस, एंड जैसे आप उठो एंड देन जस्ट ट्राई माई इट्स संडे ग्लोटास्टिक मास्क डे का मास्क। सो येस, आई होप फिर आप अपनी स्किन का भी ध्यान रखो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ़ योर स्किन एंड इन ऑर्डर टू डू दैट आप करोगे इट्स संडे ग्लोटास्टिक मास्क डे सीरीज़ का मास्क। एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर वन ऑफ दैट मास्क विच इज़ वेरी गुड और ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत ही अच्छा मास्क है वो। सो येस, ऑल्सो जो लोग नए हैं जिन्होंने मेरा फेस आज पहली बार देख रहे हैं, माई नेम इज़ भावना एंड आई टॉक अबाउट मेकअप, DIY, स्किन केयर, प्रोडक्ट रिव्यूज़, ट्यूटोरियल्स एंड हैव रिसेंटली स्टार्ट विद व्लॉग्स फॉर विच I am very excited because this is the first time I am vlogging something and all that. So yes, and अगर आपने अभी तक मेरा vlog check out नहीं करा है, I am going to keep the link in the description box below, so आप definitely check out करना. So yes, I talk about all these things. So yes, now without any further ado, let's get started to today's DIY mask. So guys, आज के मास्क के लिए हमें 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, जिसमें से 2 इंग्रेडिएंट्स आप जानते हो यूज़ होते हैं, विच इज़ दिस एलोवेरा जेल जो कि पतंजलि का है एंड दिस रोज़ वाटर जो कि पतंजलि का ही है। ये दोनों पतंजलि के हैं। बट द थर्ड इंग्रेडिएंट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट, पता नहीं मुझे आपको पता है कि नहीं पता, बट लेट मी जस्ट शेयर विद यू, बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है विच इज़ दिस कस्तूरी टर्मरिक पाउडर। This is not normal हल्दी, this is कस्तूरी टर्मरिक पाउडर। सो ये बहुत ही अच्छी हल्दी होती है। I would recommend कि आप आज ही इसको ऑर्डर कर लो। I am going to keep the link of this product in the description box. अगर आप DIYs करते ही रहते हो तो this is the हल्दी that you should be using। हमें वो खाने वाली हल्दी नहीं लगानी होती है, क्योंकि आई नो मैं भी वो हल्दी यूज़ करती थी पहले एंड हमेशा मुझे यही डर रहता था कि मैं येलो हो जाती थी बिल्कुल, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। मुझे ऐसा लगता था पता चल रहा है कि मैंने कुछ लगाया है, बिल्कुल येलो येलो फेस हो जाता है, इट स्टेन्स योर फेस सो बैड। बट ये जो कस्तूरी टर्मरिक है ये एक्सटर्नल यूज़ के लिए ही ज़्यादा यूज़ करी जाती है और इसका कोई भी स्टेन नहीं होता। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट एंड दिस इज़ नॉट ऑल, इसकी फ्रेग्रेंस इज़ अ लिटिल बेटर देन वो हमारा वाला जो नॉर्मल खाने वाला हल्दी इज़ अ लिटिल बेटर। जैसे फॉर इंस्टेंस इसकी स्मेल इज़ लाइक मोर ऑफ लीफ की जो होती नहीं है, जब आप टेयर करते हो लीफ को उसकी वैसी होती है, वैसी है इसकी। सो वैसी है एंड ये पाउडर फॉर्म में आपको मिल रहा है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं विच आर हायर देन द नॉर्मल हल्दी। सो येस, दिस इज़ एक्सट्रीमली रिकमेंडेड फॉर योर स्किन। सो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको अभी ले लो सो दैट यू कैन यूज़ इट एंड दिस इज़ वेरी गुड। आप नॉर्मल हल्दी मत लगाना फिर कभी भी फेस पर, यही वाली हल्दी लगाना, ठीक है? ये ट्राइपॉड भी मेरा पता नहीं क्यों गिरता हुआ सा हो रहा है अभी। मैंने इसको थोड़ा सा अलाइन करा है, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, मेरे ऊपर ही गिर जा रहा है बार बार। सो येस, फॉर द रेसिपी हाउ वी आर गोइंग टू मेक दिस मास्क, यू अगेन गोइंग टू यूज दिस बोल जो मैंने मिनीसो से लिया था। दिस इज अ स्पैटुला एंड इतना ऑलमोस्ट हाफ टी स्पून यू आर गोइंग टू यूज दिस, ऑलमोस्ट हाफ टी स्पून लोगे। सो लेट मी जस्ट शो, ये देखो इस तरीके से है कलर इसका, सी सीधा कलर इस तरीके से कलर है इसका, ये देखो इस तरीके से है कलर इसका, सी सीधा कलर इस तरीके से कलर है इसका। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड थोड़ा सा एलोवेरा। हमें एक थोड़ा सा ऐसा बना लेना है कि हम आराम से अप्लाई कर पाए, मतलब वो इवनली स्प्रेड आउट हो जाए। एलोवेरा आपको पता है कि इतना ज़्यादा थोड़ा सा थिक होता है, बट वही है कि अगर आपको स्प्रेड आउट करने के लिए, नाउ वी विल यूज दिस पतंजलि का ही रोज वाटर। सो मैं इतना ही डालूंगी जितना मेरा थोड़ा सा पेस्ट बन जाए और आराम से अप्लाई हो जाए। ज़्यादा नहीं डालूंगी, पहले मैं कम ही डालूंगी सो दैट आई कैन यू नो ऐड अगेन इफ आई वांट टू। आई एम मिक्सिंग इट नाउ। आई थिंक दिस इज गुड। थोड़ा सा मैंने डाला है एंड एक लेयर फॉर्म कर देगा ये फेस पे। सो यस, ये आपका मास्क रेडी है। अभी इसको ना 2 मिनट के लिए लेट इट वेट फॉर 2 मिनट्स। ये जो पाउडर वगैरह ना ये सब सीपन हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए ना चीज़ें। कीप इट फॉर 2 मिनट्स। टिल दैट टाइम आई एम गोइंग टू जस्ट, ये मुझे मिल गया, पिछली बार मुझे मिल नहीं रहा था ये। आई वाज सर्चिंग फॉर इट। ये भी मैंने मिनीसो से लिया था। ये भी मैंने ये जो बोल है और ये कॉम्बो एक तरीके से मैंने ले लिया था, मतलब ये बोल फेस मास्क का एंड दिस फॉर फेस मास्क। सो लेट मी जस्ट वेयर इट, लेट मी जस्ट टेक आउट दिस माइक। कार्टून लग रही हूँ मैं, बट ये उल्टा पहन लिया मैंने शायद, नहीं से कान पीछे गिर जा रहे। ठीक है चलो, बहुत रबड़ में दिखाऊँ आपको। सी ये तो अभी कम है, और भी मेरे पास बहुत सारे बो ये जितने भी बो वगैरह, ये जितने भी क्रंचीज आई हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ देम। सी ऑल द बोल्स। एंड मुझे ये भी पसंद है, मैं मतलब ले ही लेती हूँ। और मैं पता नहीं, आई जस्ट लव व्हाटएवर आई बाय, चाहे वो सस्ता हो चाहे वो महंगा हो, आई जस्ट लव इट एंड दैट्स व्हाई आई बाय इट। सो ये है कि मेरे पास चीज़ें फिर होती नहीं है, मतलब आई जस्ट कीप इट, यूज़ इट, कीप इट। अब वो हो जाता है कि अब आप हर रोज़ नहीं यूज़ करते हो ना, तो क्या होता है कि ख़राब ही नहीं होते, वो एकदम नए नए लग रहे होते हैं। बट आई जस्ट कीप इट, आई डोंट नो। Let me put the mic again. I hope बस इस पर गिरे ना यार, गिरे ना बस। ठीक है, मैं स्पैटुला हटा देती हूँ। Now I'm going to use this brush. ये भी इसी से मिला था, इसमें मेजरिंग के भी मिले थे। So I'm going to keep the link of this also if you really wanted. I'm going to keep the link of this also in the description box. मैं सर्च करती हूँ, I think मिनिसो भी अब Amazon में मिल रहा है। तो ये देखो, मतलब थिकनेस देखो इतनी होनी चाहिए मास्क की, इतनी। सो ये इवनली स्प्रेड आउट हो जाता है एंड ड्राई भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इस मास्क को आप, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। इस मास्क को आप ना हफ्ते में 2 बार यूज कर सकते हो। एक बार आप वेडनेसडे को कर लो, एक बार आप संडे को कर लो। अगर नहीं हो पा रहा तो ठीक है, आप वीक में 1 बार कर लो, जिस दिन मैं आऊंगी उस दिन कर लो। तो वो कर लो। और गाइज, आपने वो मेरा वो व्लॉग चेक करा, डॉग वाला? बहुत अच्छा व्लॉग है गाइज, वो चेक करो, आप उसको चेक करो, बहुत ही अच्छा व्लॉग है। तो जैसे इसकी खुशबू ना डिसेंट लग रही है। मैं नेक पे थोड़ा कम लगाऊंगी क्योंकि मैं माइक पे गिर जाएगा। मैंने एक ही तो माइक लिया है, अभी ये भी खराब हो जाएगा। नहीं तो ये मास्क बहुत ही अच्छा है फॉर ग्लोइंग स्किन। और रोज़ वाटर बहुत ज़्यादा इवन टोन करता है आपकी स्किन को, एंड जो एलोवेरा जेल है वो भी क्या करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। सो दैट ये मास्क लगा के कोई भी डिहाइड्रेशन नहीं होगी। एंड जो टर्मरिक है उसकी तो प्रॉपर्टीज़ है ही ग्लो कराने की, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट लोडेड है उसमें, तो वो ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और साथ में उसमें ग्लोइंग स्किन के लिए और डेड स्किन को हटाने के लिए, इन सब के लिए टर्मरिक तो इट्स जस्ट बॉम्ब। आप ये, मैं बता रही हूँ, ये टर्मरिक जब भी मैं टर्मरिक यूज़ करूँगी ना अपने किसी भी अगर मास्क में मैं करूँगी, तो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस टर्मरिक ओनली। आप भी ये ऑर्डर कर लो, मैं बताती हूँ इसका। ठीक है, आप भी ऑर्डर, इसको अब मैं 20 मिनट्स अराउंड, जब तक कि ड्राई नहीं हो जाता, बट 20 मिनट्स आई विल टेक, 20 मिनट्स आई एम गोइंग टू कीप इट एंड देन वॉश इट ऑफ। वॉश ऑफ करके आपको दिखाऊंगी कि स्टेन नहीं हुआ है। सो ये आपको मिल रहा है, देखो 100 ग्राम्स मिल रहा है 175 का, विच इज़ लाइक गुड। इसको यूज़ करो अच्छे से, मास्क मूस बनाओ, बॉडी पे करना है बॉडी पे लगा लो, हाथ पे लगा लो, पैर पे लगा लो, कहीं पे भी लगा लो। बहुत अच्छा मास्क है ये आप ले ही लेना, मैं अभी लिंक दे रही हूँ ना, आप ले ही लो, ये तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और मेरा करो मैंने व्लॉग डाला है, बहुत ही अच्छा व्लॉग है, मेरा फर्स्ट व्लॉग है वो, तो आप उनको भी चेकआउट करना और बहुत ही मज़ेदार हैं। अब कमिंग वीक में भी आई एम गोइंग टू पोस्ट व्लॉग्स, सो यू कैन सी दैट, आप देखना, वो व्लॉग्स में डालने वाली हूँ। एंड येस, अगर आपको देखना है कि मेरा किस टाइप का कॉन्टेंट है और मैंने कितना क्या क्या डाला है, डू चेकआउट द प्ले लिस्ट ऑन माई पेज। जो मेरा YouTube चैनल है ना, उस पर आप प्लेलिस्ट पे जाओगे, प्लेलिस्ट पे मैंने ना सेग्रीगेट कर दी हैं कैटेगरीज। सो अगर आप उनको देखोगे आपको आराम से पता चल जाएगा कि मैंने क्या क्या काम करा है, किधर किधर क्या क्या डाला है, कौन सी कैटेगरी है। मतलब उसमें आपको मेकअप रिव्यूज़ मिल जाएंगे, ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा, आपको स्क्रॉल डाउन नहीं करना पड़ेगा। सो आई वुड सजेस्ट कि आप मेरी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लो, बहुत ही ईजी एंड कन्वीनियंटली आप देख सकते हो उसमें। सो गाइस, ये अभी स्टिल ड्राइंग यहाँ से तो काफ़ी सूख गया, यहीं रह गया थोड़ा सा, मैंने एक्चुअली ख़त्म करने के चक्कर में और लगा लिया था। सो येस, स्टिल दैट टाइम आई वॉज डूइंग दिस, आई एम जर्नलाइजिंग ऑफ वॉट आई हैव टू डू इन द कमिंग वीक। जो मैं आपको बता रही हूँ कि आई एम गोइंग टू पोस्ट दीज वीडियोज, द व्लॉग्स, तो उसके लिए आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग द कॉन्टेंट एंड एवरी थिंग एंड डूइंग दैट। एंड लुक एट दिस, ये मैं अपनी नॉर्मल स्टेशनरी शॉप से लेकर आई हूँ। वेरी गुड ना, दिस ऑल्सो गाइज। जब अब ये ड्राई हो जाएगा, इसको आई एम गोइंग टू वॉश ऑफ एंड कम बैक अगेन। सो वॉश ऑफ कैसे करना है, ल्यूकवार्म वाटर से ही फेस को वॉश ऑफ करोगे, हल्का हल्का सर्कुलर मोशंस में ऊपर के डायरेक्शन में। सो वॉश ऑफ करोगे, वॉश ऑफ करने के बाद जो आपका लास्ट रिंस होता है उसको आप नॉर्मल वाटर, टैप वाटर से कर लेना। कोल्ड वाटर करोगे वो भी अच्छा है, बट आई डोंट नो, मैं नहीं चाहती हूँ किसी को ठंड पकड़ जाए या कुछ, चेंजिंग वेदर है वैसे भी। सो येस, आई वॉन्ट कि नॉर्मल टैप वाटर से ही फिर आप लास्ट रिंस करना, सो दैट वट एवर पोज और ओपन देयर जस्ट गोइंग टू क्लोज इट डाउन, क्लोज इट डाउन। सो येस, डू दैट। सो येस, मैं वॉश ऑफ करके अभी थोड़ी देर में, देन आई विल बी बैक अगेन एंड विल शो यू स्टेन हुआ कि नहीं। सो गाइज, मैंने वॉश कर लिया है और आप देखोगे कोई स्टेन नहीं है। आपको लगता है वो हल्का सा येलो लगता है क्योंकि आपने लगाई है येलो चीज़, बट आप उसको टाल से वैसे से करके हल्का हल्का सा रब ऑफ करोगे ना, इट्स गोइंग टू जस्ट गो। बहुत जेंटली करना है, ऐसे घिसना मत शुरू कर देना। सो येस, जेंटली, कोई सोप नहीं लगाना है। देखो अभी बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि मैंने हल्दी वाला कुछ लगाया अभी, वैसे ऑनेस्टली, वरना वो पहले मैं लगाती थी ना, उससे तो इतना स्टेन होता था, मैं इसलिए लगाती ही नहीं थी फिर, जबकि इट हैज़ सो मेनी एंटी सेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है, बट मैं नहीं लगा पाती थी बिकॉज इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट मोर बेटर देन द नॉर्मल हल्दी। सो येस, डू दैट। एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ माई लिप बाम। इस लिप बाम का रिव्यू भी आई विल कीप इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इफ़ यू रियली वांट टू बाय एंड सी लिप बाम्स। लिप बाम की भी पूरी एक सीरीज़ है, मैं उसकी भी प्लेलिस्ट पूरी, उसका भी मैं लिंक पूरा डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप आराम से फिर देख लेना। एंड देन गोइंग टू यूज़ माई टोनर एंड माई क्रीम। इसकी भी वीडियो है, इसकी भी डाल दूंगी, सब कुछ डाल दूंगी। सो आई एम यूजिंग दिस एंड दिस इज़ माई डे टाइम रूटीन का है। So guys, hope you like the video and hope this mask is really good. And I forgot to mention, this mask can be used by all skin types. So अगर आपकी oily है, normal है, dry है, किसी भी skin type में ये वाला mask आप use कर सकते हो. So there are no issues with that. तो आप आराम से use करो, no problems. So yes. Thank you so much for watching guys. Hope you like the video and hope you like my content and hope this mask really feels good on you. Please do share in the comment section below if you use this mask and how it has been for you. I would love to know that. And yes, if you like my content, please share the video. That would mean a lot to me. Thank you so much for watching.